फाइनली फूड राइटिंग कंपटीशन का रिजल्ट आ गया आज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और आप लोगों ने भाई, मैंने बस ऐसे डाला था कि आप फोटो एडिट करो मेरी, आप लोगों ने यार इतनी गजब गजब की फ़ोटो एडिट की हुई है मेरी, ख़त्म मतलब खलास कर दोगे जो सब। बहुत अच्छे एडिटर हो यार आप, सच बताऊँ तो मैं देख के हैरान रह गया आप लोगों ने जैसे जैसे फ़ोटो मुझे सेंड की हुई है। तो टॉप 10 दिखाऊंगा और उसके बाद आपको मैं 10 के अलावा भी कुछ दिखाऊंगा जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगे, मुझे अच्छे लगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और कोई एक किसी को मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बहुत सब ने बहुत अच्छा किया हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 10th पे है, जो 10th नंबर पे, इस पर मैंने तीन फ़ोटो मतलब कंसीडर की है, जो तीन फ़ोटो हैं जो काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। तो 10th पे देखिए, आप देख सकते हो इन भाई का, आपका नीचे दिख रहा होगा इंस्टा आईडी, आप देख सकते हो वहाँ से। तो बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है और जो ऑटोडेस्क में इन्होंने बाल ड्रॉ किए हैं काफ़ी अच्छा किया हुआ है। थोड़ा सा मुझे लगा कि ना आपने यहाँ से अपने बालों को डायरेक्शन अच्छा दे देते ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, थोड़ा सा डार्क शेड भी दे देते थोड़ा, तो काफ़ी अच्छा हो जाता। बट फाइनल बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। और आप देख सकते हो मेरी आँखों से इतना डिटेल वर्क किया, मेरी आँखों से भी ऐसे थोड़ी जो थंडर टाइप की ना उन्होंने रेज निकाली हुई हैं, काफ़ी अच्छा है। बॉडी पर भी मेरे हैं, बस मुझे कुछ थोड़ा सा मुझे मिस हुआ कि जो पत्थर वगैरह हैं, पत्थर मेरे जैसे ब्लर में है तो थोड़े से पीछे की तरफ है मुझसे, तो जो थंडर है एक वो भी बहुत ज़्यादा पीछे है और ऊपर जाके लग रहा है कि मेरे साथ ही मर्ज हो रहा है थोड़ा सा। वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा ध्यान देते तो हो जाता, बट काफ़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और जो थंडर आपने यूज़ किया हुआ है काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग सच में। तो 10th पे जो इस पिक की याद करूँ तो बहुत गजब बनाया भाई ने, बस मुझे थोड़ा सा लगा कि क्वालिटी का लूज़ हो गया है, या शायद मैं कह सकता हूँ कि कलर्स थोड़े शेडोज़ वगैरह पे ध्यान देने चाहिए थे, क्योंकि मॉडल में थोड़े शेडोज़ भी होने चाहिए थे तो ज़्यादा अच्छे लगते। बट ओवरऑल फ़ोटो बहुत अच्छी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और इस पिक को मतलब चूज़ करने नहीं वाला था, बट बहुत अच्छा मेरे को इनका रिमेड वर्क इन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने जैसे कि इस ग्रास वगैरह से मिक्सअप किया, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा सा यहाँ पे मैस्ड अप हो रहा है, पता लग रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, जो मेरी ग्रास थी उसको ही यूज़ कर सकते थे, पर फिर भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है आपने, रिमेड क्रिएट की बहुत अच्छी सी क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्राई किया हुआ, बहुत अच्छा किया। और आई लेंस भी आई थिंक आपने खुद से ही बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा वर्क, काफ़ी अच्छा आपका, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा था बताऊँ तो। बट मुझे बस एक जगह मुझे थोड़ी सी कमी लगी, आपने मेरे जो बूट हैं शूज़ हैं वहाँ पे अगर कोई ब्लर पार्टिकल जैसे फायर है ना फ्रंट में, आप फायर ही लगा देते तो बहुत गजब का हो जाता, कोई गलती नहीं रह पाती। तो आपने बहुत अमेजिंग किया है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्क है। भी वेक्टर आर्ट रखे हुए हैं कुछ, तो ऐसे दो मेरे पास वेक्टर आर्ट हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क है वेक्टर आर्ट में भी, उन्होंने अच्छा किया हुआ। थोड़ा सा देख सकते हो आप, मेरे को हैंड में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और बाकी तो बहुत अच्छा किया हुआ भाई ने, काफ़ी अच्छा किया हुआ है। कपड़ों में शेडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है, फेस में भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा वर्क है भी, अच्छा किया हुआ है। अमर एडिशन बहुत अच्छा किया हुआ, और इनका तो मतलब बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा शेडिंग वगैरह कलर ग्रेडिंग देना। अब मुझे भी वैसे वेक्टर आर्ट आता नहीं, बट फिर भी जितना मुझे पता है आप कलर ग्रेडिंग जो शेडिंग देते हैं, फेस की शेडिंग देते हैं, एक डेप्थ क्रिएट करते हैं, वो आप करना सीख लें धीरे धीरे, आपको जैसे आप करते रहेंगे आ जाएगा। बट आपने कपड़ों में बहुत अच्छा दिया हुआ, बहुत अच्छा दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर रह चुका है आपका, बट आपने काफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छा किया हुआ है। तो जो 8th पे हमारे काफ़ी अमेजिंग लगे मुझे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे 8th पे जो है, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है इन भाई ने, बहुत अच्छा और इतना डिटेल में वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हो ऐसे है। जब मैं अभी आप फेस आप देख रहे हो ना, टेक्स्चर दिख रहा होगा आपको, जब ऐसे जूम करेंगे तो आपको और भी अच्छे से टेक्स्चर्स दिखेंगे। तो बस मुझे ऐसा लगा टेक्स्चर में थोड़ा सा ओवर लगा, थोड़ा सा जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे कि आप कहीं कहीं पर ना देते तो अच्छा रहता, जैसे कि नोज़ के ऊपर भी दे दिया आपने तो वहाँ पर ना देते तो अच्छा रहता, चीक्स पर दे देते थोड़ा सा बस बहुत था वहाँ पर, और माथे पर दे देते बहुत था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर ठीक है बहुत अमेजिंग लग रहा है। और मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कमी लगी कि आप जो ऐसे यहाँ पे थंडर
थंडर है, इनमें थोड़ा सा ग्लो दे देते हैं ना, बाकी आपने बहुत अच्छा मिल किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। रेड ग्लो भी आपने रेड वगैरह बहुत अच्छी काफ़ी अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, वेल डन। आई थिंक आपने ऑटोडेस्क में किया हुआ है आई थिंक, तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और जो पीछे की रेस जा रही हुई है ना, उसने मतलब मेरा दिल खुश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने पीछे जो रेस जा रही है और धीरे धीरे जो पत्थर वगैरह उड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आपने शायद हाँ आपने इनके पत्थरों पर भी ड्रॉ किया, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया आपने, बहुत अच्छा है। बस मुझे मेरे मॉडल पे थोड़े से ज़्यादा मतलब लाइट आ गई, बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा बनाया आपने। और ये तो काफ़ी ही ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। कैल्विन, क्या नाम है आपका, कैविन वर्ल्ड क्रिएशंस कुछ नाम है आपका, बहुत अच्छा आपने किया हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा जो बैकग्राउंड है उसका बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंडेड है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, और जितना डार्क होना चाहिए उतना डार्क है, जितना हाईलाइट होना चाहिए उतना हाईलाइट है, यानी कि ओवर ऐसे कि आपने कोई फेक रिम लाइट बनाई हुई है ऐसी कुछ नहीं है, लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का लग रहा है। बस आप मुझे लगा कि यहाँ पर आप शायद अगर ड्रॉ कर देते ना जो मेरे बूट की सोल है, मुझे पता है मैं ग्रास में बैठा हुआ था, तो जो मेरे बूट की सोल आप अगर आप मैनुअली ड्रॉ कर देते और इतना आपने जब डार्क किया हुआ है, अगर आपने ड्रॉ भी किया हुआ है डार्क कर दोगे तो कुछ खास पता नहीं लगेगा कि बंदे ने क्या किया हुआ है। तो फिर भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइट्स वगैरह आपने बहुत अच्छा क्रिएट किए हुए हैं भाई, गजब। और मैं बता दूं कि जितने भी मैं ऐसे नंबर वाइज दे रहा हूँ ना, आप ऐसे समझ लो कि एक से लेके पाँच तक, ठीक है, आप इनको जैसे मर्जी एक दूसरे के साथ मिला लो, मतलब बहुत सब अमेजिंग है, एक दूसरे के साथ मतलब एक ही नंबर पे आते हैं, और छः से लेके दस तक सब एक जैसे हैं, मतलब जो जिनको जौन सा मर्जी नंबर दे दो सब पे मतलब फिट हो जाएंगे। वैसे नंबर आपको देना नहीं चाहिए, बट फिर भी थोड़ी बहुत गलतियों के बेस पे मैंने थोड़ा बहुत आपको वैसे नंबरिंग वाइज किया हुआ है ताकि आप में इंटरेस्ट आए। तो आपको बता दूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे लगा कि हेयर्स पे जो वर्क किया ना आपने, थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लगी मुझे कि थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ऐड रख लेते या स्क्रीन या लाइटन रख के फिर आप ड्रॉ करते ना, क्योंकि आपने ऐसे ड्रॉ अगर रिम लाइट ही क्रिएट करनी थी तो अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या कर सकते थे आपने मेरे बालों पे, वैसे बालों को तो बहुत क्रिएट किया हुआ आपने, तो जो बालों का जो हाईलाइट है ना यहाँ पे मेरा, उसी को यहाँ पर ड्रॉ कर देते ना तो वो भी अच्छा लगता थोड़ा सा येलोइश करके। बाकी आपने रिम लाइट बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, ऑटो आई थिंक आपने ऑटोडेस्क से ही किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है आपने। तो ओवरऑल फोटो बहुत अच्छी है, गुड जॉब बहुत। बस मुझे ऐसा मतलब फील आया कि ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश टोन का होता ना, मतलब जो आपने वाइट कलर की दी हुई है तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट आपने बहुत अच्छा, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट है हमारा, बहुत अच्छा भाई साहब, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक आपको मैं बता देता हूँ बहुत, पर जो बैकग्राउंड साथ ब्लेंडेड है और जो ड्रैगन वगैरह है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब एक फील ले रहा है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूँ कि आप कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, अगर आप बताऊँगे अगर पीछे की तरफ अगर ना पानी है, पानी पर वैसे हमारा मॉडल बैठ नहीं सकता ऐसे, तो अगर पानी है तो ठीक चल जाता हूँ, बट अगर वहाँ पे रेत वगैरह है कुछ है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत शेडोज़ होती है जो ड्रैगन की यहाँ इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे शेडोज़ दे देते तो अच्छा होता है। और मैं बताऊँ जो मेरा मॉडल है, मॉडल का जो रिम लाइट दिया हुआ है ना वहाँ पे, जो क्रिएट किया हुआ है हाईलाइट्स क्रिएट किए हुए हैं, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किया हुआ है। और मुझे बस एक जगह से डिसअपॉइंटमेंट मतलब महसूस हुई कि आपने विंग्स को बिल्कुल सीधा लगाया हुआ है, मतलब लग रहा है ना कि मैं सीधा खड़ा हूँ, बट आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा ना टिल्टेड हूँ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हूँ से, आप देख मेरे पोज आप देख रहे हो। तो आप क्या कर सकते कि एक एक विंग्स को अलग अलग लेयर में, आप आई थिंक आपने ऑटोडेस्क यूज़ किया हुआ है तो अलग अलग लेयर में लेकर एक एक विंग्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा सा ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप इसका ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव या आप यूज़ कर सकते थे पिक्से प्रो भी यूज़ कर सकते थे, PNG को वहाँ पे इंपोर्ट करके थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव से छेड़छाड़ करके और जो विंग्स है वो भी पूरे पर्सपेक्टिव से मैच हो जाती है हमारे। बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैंने देखा जैसे कि अभी यहाँ पे रेड लाइट ग्लो हो रहा है ना उनकी आइज़ में, ड्रैगन की आइज़ में,
तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रेड कलर की ही करते हैं। बट आपने क्या किया हुआ है कि हमारा मॉडल ड्रैगन से काफ़ी दूर है, तो आपने क्या किया हुआ कि उसका उसके सिमिलर लाइटें कुछ ना थोड़ी सी रेडिश कलर की लाइट आपने क्रिएट की हुई है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों के साथ। और जो आपने जो पार्टिकल्स वगैरह लगाए हुए हैं थोड़े बहुत, अगर ऐसे मॉडल के फ्रंट में भी होते ना थोड़े, तो गजब हो जाता, बहुत अच्छा था। तो अब बात करते हैं सिक्स नंबर पर। सिक्स नंबर पर चौहान एडिट्स आपने किया हुआ एडिट, तो इनको तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखा था, बहुत अमेजिंग किया हुआ भाई आपने। मतलब एक आप देखोगे, आप देख रहे हो, जो भी आप व्यूवर्स जो देख रहे हैं आप देखो, इसमें एक डेप्थ ऑफ फील्ड है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो आगे इन्होंने वुल्फ लगाया, इसका थोड़ा सा मुझे पर्सपेक्टिव ख़राब लगा, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से कुछ ज़्यादा नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा वहाँ पे देखा जा सकता था कि शायद वुल्फ का अकेला मुंह लगाया जा सकता था या बैक साइड लगाया जा सकती थी। बट फिर भी यहाँ पर एक डेप्थ ऑफ फील्ड, आप चेक करो पीछे से लाइट्स आ रही है, लाइट्स भी मेरे ऊपर बहुत अच्छी अमेजिंग सी। अब थोड़ा सा मुझे डार्क किया गया है तो अच्छा लग रहा है, मॉडल थोड़ा सा डार्किश टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है कि एक डेप्थ ऑफ फील्ड है जो उन्होंने आई थिंक इन्होंने मैन्युअली ही लगाया, हम मैन्युअली ही लगाया है, तो जो वहाँ पे वुल्फ लगाया है उसको भी ब्लर किया हुआ है, और थोड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो मुझे थोड़े से शार्प लगे, तो रिफ्लेक्शन आप देख लेते और काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे एक डेप्थ ऑफ फील्ड जब आप दूर से देख रहे हो ना, तो एक अलग ही डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट हो रही है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। एक आप कर सकते थे, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बस वैसे ही आपको एज ए फ्रेंड मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते थे, पीछे से इतनी लाइट्स आ रही ना, ऐसे रेज निकाल सकते थे अपने। मेरी कौन सी फ़ोटो थी, किसी तो किसी फ़ोटो मैंने रेज का यूज़ किया हुआ है, तो आप ऐसे रेज का यूज़ करते ना तो काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऑटोडेस्क में वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे वर्क करते तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो सकता था, बट ओवरऑल बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा। शाउट आउट टू चौहान एडिट्स, बहुत अच्छा किया काम। तो फिफ्थ नंबर पर भाई साहब मेरा फेवरेट, मेरा सच में तो मेरा बहुत फेवरेट, बस एक गलती कर दी उस, अगर वो कंप्लीट हो जाता ना तो मैं इसको शायद सेकंड या थर्ड नंबर पर रखने वाला था। बट मेरा बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला वर्क इनका, इन्होंने स्काइज वगैरह और मैं बता रहा था ना पार्टिकल्स वगैरह फ्रंट में लगाते जैसे इन्होंने लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किया। बस थोड़ी बहुत ऐसे लग रहा है कि जब आपने PNGs लगाए तो उससे लाइनें रह गई हैं, उनको इरेज नहीं किया आपने, तो और थोड़ा इग्नोर हम कर सकते हैं। आपका आईडी लोगो देख लेता हूँ क्या है, NK क्रिएशन, काफ़ी अच्छा, और आपका लोगो भी भाई गजब है। तो मुझे यहाँ पे कमी कहाँ लगी पहले मैं बताऊँगा, आपकी अच्छाइयाँ बताता हूँ आपने, मतलब बहुत अच्छा। जो भी आपने यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है या कुछ भी पकड़ा हुआ है, एक लाइटिश है उसमें ग्लो कर रहा है, तो उसमें आपने शायद मोशन ब्लर वगैरह दिए गए, उसको क्रिएट किया हुआ, खुद से ही क्रिएट किया है शायद, तो बहुत अच्छा किया हुआ। और एक एक क्या कि जो आसमान है पीछे, शायद उस आसमान के उस थंडर को शायद खींच रहे हैं आप, या किया सीन है कुछ, बट काफ़ी अच्छा है, जो आपकी थॉट था बहुत अच्छा है। और आपने यहाँ पे ग्लो वगैरह बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से किया हुआ, ठीक ठाक है, मतलब ओवरऑल ठीक है, डिसेंट सा अच्छा लग रहा है। और मुझे आइज़ भी ठीक लगा, बट मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि आपने थोड़ा सा ना मेरे, आप देखोगे तो अगर मेरे फेस को हटा दो यहाँ से, मैं स्क्रीन पर हाथ रख रहा हूँ, मतलब ऐसे आप ऐसे देख लो, सोचो अगर आप फेस को हटा दो मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। बट क्या सीन था कि अगर आप मेरे फेस के ना क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो आपको ने जैसे बताया था कि आप यूज़ कर सकते थे प्रीमिनी ऐप यूज़ करके आप फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, या कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा कम लगा मुझे, सच बताऊँ तो फेस के ऊपर कम लगा, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एक और फोटो है बहुत इस पर, मतलब मैंने बोला था आपको कि कॉन्सेप्चुअल एडिट करना, तो भाई ने भाई अलग लेवल का किया हुआ, बहुत खतरनाक किया हुआ है। तो आपकी कॉन्सेप्ट देखो पहले कैसा है कि आप यहाँ पे इन्होंने लगाया भी हुआ है, इन्होंने अलग से भी मुझे सेंड किया हुआ था, मैंने आपका देखा भाई, इन्होंने लगाया हुआ है कि 2050 फाइन ट्री, तो यहाँ पे पेड़ ढूंढ रहे हैं लोग, ट्रीज ढूंढ रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपने टाइम बचाने के चक्कर में क्या सीन है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो डंडी है उसको सही से कर देते तो अच्छा हो जाता, बाकी रोल बहुत अच्छा है, आपने डस्ट वगैरह बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, और आई थिंक आपने बैकग्राउंड भी शायद थोड़ा सा आपने खुद से ही बनाया हुआ है, शायद पक्का नहीं कह सकता मैं, बट जो भी किया बहुत अच्छा किया हुआ, हाइलाइट्स वगैरह अच्छे से क्रिएट किए हुए हैं। वैसे मुझे ऐसे जो आपने हेयर किया हुआ ना समझ टूल से, मुझे ना खास पर्सनली पसंद नहीं आता, बट
एक देखने ओवरऑल लुक देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ठीक है, जब आप इसे जूम कर लेंगे हम अगर यहाँ से तो थोड़ा अच्छा सा लुक नहीं दे रहा है, बट यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक आपने फोटोशॉप का यूज़ किया जिस हिसाब से क्वालिटी है, हाँ आई थिंक आपने फोटोशॉप का यूज़ किया हुआ है। जो आपका ये जो ग्लास वाला चैम्बर है इसमें ट्रीज है, उससे ऑक्सीजन जा रहा है बंदे को। आपने मैंने हाथ रखा हुआ था बताऊँ तो, आपने उस हाथ मतलब हाथ के अंडर आपने जो क्रिएट किया हुआ है ना, बहुत अच्छा से क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल लग रहा है कि सच में भाई मतलब मैंने कोई सच में मास्क पहना हुआ है, कोई ऐसे नोटिस नहीं हो रहा कि अलग से लगाया गया चीज़, मतलब लग रहा है कि मैंने पहले ही हाथ से पकड़ा हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर सकते थे, यहाँ पे जो नीचे शाइन आ रहा ना ग्लास का वो नहीं आना था, तो उसको आप थोड़ा सा कर सकते थे। और आपको उल्टा कर देते हैं फ़ोटो लोगों को आपके मैसेज देने के लिए, तो आप देख सकते हो क्या सीन किया भाई ने, कि आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे जो है बंदा यहाँ से पोल्यूटेड है और नीचे क्या है कि वाटर है, वाटर में इन्होंने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा किया और रिफ्लेक्शन तो क्रिएट किया ही हुआ है, उसके अंदर इन्होंने ग्रीनरी बनाया हुआ है। देख सकते हो आप कितना अच्छा से ग्रीनरी बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो यहाँ पे था 2021 सेव ट्री, वहाँ पर लगे हुए थे, वहाँ पे था सेव ट्री और यहाँ पे है फाइन ट्री। तो कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने वर्क किया कॉन्सेप्ट के लिए। शाउट आउट टू, आपका नाम यहाँ पे नहीं कहीं लोगो लगाया आपने, तो आपने कहीं लोगो नहीं लगाया, बट आपको मैं इंस्टाग्राम के यहाँ पर आपको दिख गया पेज इनका, आप चाहो तो प्लीज़ पर्सनली कहूँगा अगर जाके फॉलो कर सकते हो तो कर लें, काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ भाई आपने। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फोर्थ नंबर पे भाई, नेक्स्ट आते हैं हम अपने फोर्थ नंबर पे भाई साहब, अलग लेवल के हो यार आप, जो भी हो आपने लोगो लगाया, हाँ लगाया हुआ है हॉनी प्रोडक्शन, हाँ आपने मैंने देखा हुआ था आपका, मैंने इंस्टा आईडी भी देखी है ओपन करके, काफ़ी अच्छा आपने एडिट करते हैं। तो आपने यार ये मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, तो बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है आपने। जो पीछे पिंकिश कलर की ग्लोश पिंकिश कलर की ग्लो है और एक वाइट कलर की बीम आ रही है, और आपने ऐसे मुझे ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है, और क्या मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ जो ग्रास है आपने ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने छुपाने के लिए यूज़ किया हुआ है, ऐसा फील यार। वैसे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो सब करते हैं ऐसे, बट आपने मैं चाहता था आपसे आप अगर मेरे साथ भी मेरे पैरों के साथ भी थोड़े से ग्रास क्रिएट कर देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट बहुत अच्छा मैं आपको बताऊँ, इसलिए आपको मैंने आप कौन से नंबर पे रखा हुआ, आपने फोर्थ नंबर पे रखा हुआ आपको मैंने, बहुत अच्छा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपने जो तितली है आप थोड़े से हाईलाइट्स क्रिएट कर देते ना तो भाई बात ही बन जाती, और इसको इतना ब्लैक नहीं करते, थोड़ा सा और फेड कर देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट ओवरऑल आपने डिटेल में वर्क किया मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा वर्क किया हुआ आपने, स्पेशली आपने हाईलाइट्स भाई गज़ब के गज़ब, तो शाउट आउट टू हॉनी प्रोडक्शन, बहुत गज़ब किया हुआ आपने। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे भाई, प्योर वर्क लगा मुझे, मतलब बिल्कुल मतलब इसमें मैं कमी नहीं निकाल सकता कोई कमी, थोड़ी बहुत हाइलाइट्स में भी उतनी खास कमियां नहीं निकाल सकता मैं, मतलब एक मुझे नीट एंड क्लीन वर्क लगा मुझे, देख सकते हो आप बिल्कुल। आप जो बोलोगे कि क्वालिटी कम है आपकी फ़ोटो की, भाई इन्होंने भी वर्क किया हुआ है देख सकते हो क्वालिटी, और यहाँ पे जिन्होंने हेयर्स में जो रिम लाइट क्रिएट किया हुआ है माशाल्लाह भाई, मतलब आप साथ में तो चुम्मी ले लेता मगर आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक नीट एंड क्लीन, मुझे इसलिए बहुत पसंद आया क्यों, क्योंकि आपने एक नीट एंड क्लीन किया। और आपका कुछ नाम मैं बताऊँ तो शायद स्काई करके था, क्योंकि मुझे आपने मुझे याद आपका वर्क शायद आपका लोगो लगा कहीं, हाँ लगा हुआ है, तो एडिट स्काई बहुत अच्छा, जैसा नाम वैसा काम, एडिट स्काई बहुत गजब का, गैलेक्सी का जो स्काई लगाया हुआ आपने एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया आपने मेरी फ़ोटोज़ को, तो थैंक यू आपने ऐसा किया बहुत अच्छा, और हाइलाइट्स वगैरह तो बहुत अच्छे से क्रिएट किए हुए हैं। और अब मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों ने शायद आपने ऑटो डेस्क वगैरह में ही क्रिएट किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छे वर्क किया हुआ है आपने, सेम इन्हीं की तरह ही एक नीट एंड क्लीन डिज़ाइन किया हुआ भाई ने, बहुत गजब इनका दिख रहा होगा आपको साइड में, सच में बताऊँ बहुत गजब किया हुआ आपने यार, मतलब कि ग्रास का तो आपने फ़ायदा उठाया हुआ, बट बाकी जो आपने कलर वगैरह जो ब्लेंड किया हुआ है एक अलग लेवल पहुंचा रहा है यार, सच में शाउट आउट टू यू, बहुत गजब। तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, आपका नाम है आपने हाँ मुझे इस पर आपका सुजल क्रिएशंस,
तो भाई साहब ये वर्क मुझे इतना अच्छा नीट एंड क्लीन लगा ना, मतलब आई नो यार शायद फोटोशॉप में क्रिएट किया हुआ बट बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन किया हुआ आपने। तो शाउट आउट टू सुजल क्रिएशन। मुझे बस एक प्रॉब्लम आई है, मैं अपने डैडी के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि आप देख सकते हो जो मैं ग्राउंड है, ग्राउंड के शायद उधर खाई वगैरह है तो काफ़ी दूर है, और जो यहाँ पे फायर है उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस फायर का यहाँ पर जो पीछे ऑक्टोपस है उसके ऊपर उतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट फिर भी आपने जो भी क्रिएट किया काफ़ी गजब का किया हुआ भाई, मतलब एक ना अलग ही लुक आ रहा है इसको, मतलब डेस्कटॉप पे अगर ऐसे करके लगाया हो, वॉलपेपर वगैरह लगाया हो, काफ़ी अच्छा ग्लो आपने क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पेशली हाइलाइट्स वगैरह आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया, एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन बताऊँ तो एक अच्छे से आपने कॉम्पोजिशन बनाई हुई है, बहुत अच्छी। सेकंड के बाद आता है फर्स्ट, तो आपको मैं फर्स्ट के ऊपर एक वर्क दिखाना चाहता हूँ, मैं आँख बंद करके बता सकता हूँ ये इन मानस ने किया हुआ है भाई मेरा, और हाँ इनको मैं जानता हूँ तो ऐसा मत पूछ सोचना कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जानता इसलिए कर दिया इसको फर्स्ट भी लिया, बट ऐसा नहीं है सच। आप खुद से देखो यार वर्क, भाई का वर्क देखो कितना गजब का है, मतलब अलग लेवल का है। थोड़ा सा मुझे ये थंडर्स लगे कि कहाँ पर जा रहे हैं आप, शायद वॉर्प का यूज़ करके सही कर सकते थे, पर फिर भी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये वाला थंडर है मेरे पैरों के पास, यहाँ पे लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट मुझे क्या अच्छा लगा, रिचार्ज खत्म होने वाला है तो आपने क्या मतलब बताना, ओवरऑल दिखाता हूँ आपको हम जो पसंद क्या है। जो यहाँ पर इन्होंने धरती पे जो भी है लैंड पे जो इन्होंने एक ग्लो क्रिएट किया हुआ, एक एंचाइंटमेंट जैसा कुछ लग रहा है, कुछ भी है, एक सर्कल है उसके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आई डोंट नो कौन सी भाषा है, बट एक ग्लो ना एक मोबाइल जैसा, आई थिंक आप पिक्सआर्ट से ही करते हो, आपके पास मुझे पता है कि बस मतलब कुछ ऐसा है भी नहीं कि हाई एंड क्वालिटी की आपका डिवाइस भी नहीं है, बट बैकग्राउंड भी खुद से क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एक अलग लेवल पहुंचा दिया हुआ आपने इस लेवल को। और यहाँ पे जो आपने मुझे गले में मेरी चैन पहनाई थी, मुझे वो अलग लेवल की लगी कसम से। और मैंने इस फोटो के साथ जिन्होंने भी एडिट किया है ना, मैंने देखा या क्वालिटी उनकी कम हो गई है या फिर उन्होंने बालों की हेयर की सिलेक्शन नहीं सही की, तो अपने हेयर्स में जो आपने ड्रॉ किया हुआ है ना बहुत गजब किया हुआ है, बट आपने हेयर भी हेयर पे ग्लो ड्रॉ किया है बहुत गजब, बट आपने अलग से हेयर्स भी ड्रॉ किए हुए हैं मेरे काफ़ी अच्छी, तो यही कारण है कि आप फर्स्ट पे आए, बहुत अच्छा किया हुआ है, कीप इट अप ऐसे आप वर्क करते रहें। तो इसके बाद आता है, अब मैं बताऊँ कि इतने सारे वर्क के बाद कि मुझे पर्सनली जो 10 प्लस जो 16 फ़ोटोज़ मुझे और अच्छी लगी, जो मतलब टॉप 10 में तो नहीं आ पाई बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वाला वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मुझे थोड़ी सी कमियाँ लगी, इन्होंने बैकग्राउंड खुद से बनाया हुआ सारा शायद, तो काफ़ी अच्छा लगा। वेलकम टू मिस्टीरियस विलेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या लिखा हुआ टेक्स्ट वगैरह भी है, आई डोंट नो ब्रो, पर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ आपने, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट ये वाला बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है, थोड़ा सा हाईलाइट्स मुझे ज़्यादा लगे बट बहुत अच्छा था। आपने शेडोज़ वगैरह छुपाने के लिए आपने एक पत्थर लगा दिया कि जो मतलब बैकग्राउंड में था, तो काफ़ी अच्छा आपने माइंड गेम खेला, गजब। ये वाली फ़ोटो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी सी अच्छी कर सकती थी बट फिर भी बहुत अच्छी थी। ये वाली भी काफ़ी अच्छी थी, अमेजिंग अमेजिंग कह सकते हैं, बहुत अच्छी थी एक। नेक्स्ट थी वॉल्फ, ये आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ था, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बट बहुत अच्छा, मतलब एक अलग सी वाइब आ रही है इस फोटो के साथ मुझे। ये वाली फ़ोटो आपने बहुत अच्छी की हुई है, शायद निंजा है क्या है, इसके विंग्स हैं, काफ़ी अच्छी आपकी थॉट अच्छा था, काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट ए वाली मुझे थोड़ी सी अच्छी, मुझे फेस पे बस आके थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, यानी फेस पे थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा दे दिया कुछ, बट काफ़ी अच्छी थी आपकी फ़ोटो। और नेक्स्ट ए अलग थॉट भाई का, उन्होंने बहुत बड़ी सी दुनिया में धरती पे मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हूँ, तो काफ़ी अच्छा, बस मुझे क्वालिटी की लूज़ लगी इसलिए आपको फ़ोटो आ नहीं पाया। तो आप अगर क्वालिटी सही कर देते और हेयर्स का सिलेक्शन वगैरह अच्छा करते तो शायद आ जाता, बट काफ़ी अच्छा आपका था। इनका भी बहुत भाई का बहुत अच्छा लगा मुझे, ज़ॉम्बीज़ आउटब्रेक, ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़े हुए, बट मुझे क्या लगा इसमें कि थोड़ा सा मुझे नीचे से डार्किश करते ना थोड़ा सा, क्योंकि अलग से स्टैंड आउट हो रहा हूँ मैं, तो पर काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा ये वाला वर्क, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन था,
बहुत अच्छा वर्क किया था इवला आपने, और दिस वन इज़ ग्रेट भाई, बहुत अच्छा किया हुआ है आपने। मैं एक बच्चा सा लग रहा हूँ, देख सकते हो आप कैसा लग रहा हूँ भाई। और काफ़ी अच्छा था इवला वर्क। नेक्स्ट दिस वन सिंपल, बहुत अच्छा है, बिल्कुल नो मतलब कुछ गंदगी नहीं, बस तुझे में हाईलाइट्स जैसे कि क्या हो गया, जो आप बैरन में हाईलाइट्स देख रहे हो ना यहाँ पे पत्थर पे, वहाँ पे मेरे ऊपर भी क्रिएट कर देते तो शायद अच्छा हो जाता, और अच्छा हो जाता, काफ़ी अच्छा किया आपने क्रिएट। नेक्स्ट दिस वन एंड दिस वन, इसमें तुझे में क्वालिटी का लूज़ लगा। आई थिंक आपने रिमिनी का भी यूज़ किया हुआ, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट वाला मुझे कम लगे। आप देख सकते हो आप मेरे जो टी शर्ट है वो भी मेरी ब्लरी टाइप की हो गई है। तो आपने शायद रिमिनी का यूज़ किया है, तो आपको शायद पता ना हो कि रिमिनी क्या करता है, कि पूरी बॉडी को ब्लर कर देता है, बाकी फेस को परफेक्ट करता है। आपने शायद सिलेक्शन भी सही से नहीं ली हुई है, या शायद आपने ऑटो सिलेक्शन कहीं से लिया हुआ किसी सॉफ्टवेयर से। ये वाला काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा काम किया भाई आपने, शाउट आउट टू यू, बहुत गजब का काम किया है। सॉरी मैं आप टॉप 10 में नहीं लेके आ पाया इसको, बट सच बताऊँ तो ये उसके लायक था, काफ़ी गजब का था किसी चीज़ से। ये वाला वर्क भी मुझे काफ़ी पसंद आया था यार, काफ़ी क्वालिटी काफ़ी गजब की थी इसमें, काफ़ी अच्छा। मेरे दोनों के दोनों मॉडल का यूज़ किया गया था मेरे, और इसमें जो स्नेक था मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फेकिश टाइप का लगा, क्योंकि देख सकते हो कहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है स्नेक, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे अलग से पार्ट आ जा रहा है, थोड़ा सा लगा, बट काफ़ी अच्छा काम था आपका भाई, काफ़ी अच्छा। दिस वन इन्होंने मुझे शूज़ ही पहना दिए भाई, सारा लफड़ा ही ख़त्म कर दिया, इन्होंने मुझे शूज़ पहना दिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। मुझे शेडोज़ वगैरह की कमी लगी, बट काफ़ी अच्छा वर्क था आपका। हाइलाइट्स वगैरह आपने बहुत अच्छे क्लियर किए थे हाइलाइट्स वगैरह, तो कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप। तो ठीक है ब्रो, आज की बहुत हुई वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आया होगा जिन्होंने आपने वर्क किया, और जिन्होंने मुझे जिनकी फ़ोटोज़ नहीं आ पाई, तो भाई ऐसा है कि मैं कहूँगी आप में कमियाँ हैं, कमियाँ चलो ठीक है, बट आप क्या कि टाइम के साथ खुद ही खुद से ही मतलब कि जब आप टाइम दोगे एडिटिंग को, या टाइम के साथ खुद पे खुद ही अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप आप सब लोग अब एडिटिंग पे ध्यान देंगे अच्छे से। तो मैं भी इतना तुर्रम खान नहीं हूँ, बट मैं बता देता हूँ बहुत अच्छा है, जिन्होंने मुझे वर्क किया बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क किए हुए थे, और जिनकी नहीं आ पाई बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, या कुछ अलग से कोई अलग से किसी थीम में। तो आज के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और कीप क्रिएटिंग, जितना क्रिएट करोगे उतना सीखोगे, सच बताऊँ जितना क्रिएट करोगे उतना सीखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसके, मतलब जितना सीखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना क्रिएट करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उतना सीखोगे। तो सीखो क्रिएट करो, आज के लिए गुड बाय बाय बाय। और किसी के अगर बाई चांस अगर किसी की बहुत उन्होंने उनको लग रहा हो कि मैंने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, और बाई चांस मैं ना लेके आ पाया हूँ, मतलब टॉप 10 में ना आए या 10 प्लस में नहीं आए, तो भाई सॉरी उसके लिए, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आप नेक्स्ट अगर जब हम नेक्स्ट अगर डिलीवर करेंगे तो उसके लिए तैयार रहना। बाय बाय, लव यू टू ऑल जिन्होंने क्रिएट किया।